एपिसोड 102 की स्टार्टिंग होती है और सिनैन कहता है हम उस शॉप में चले, तुमने कहा था ना तुम्हें कुछ ट्राई करना है। फिर शिंग कहती है हाँ करना तो है पर वो जगह बहुत महंगी है, चलो भूल जाते हैं। फिर सिनैन कहता है अरे चलो अगर तुम वहाँ खाना चाहती हो तो खा सकते हैं, ये ट्रीट मेरी तरफ से है। फिर शिंग कहती है रहने देते हैं ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं है और वहाँ सिर्फ एक बार खाना खाने से हमारी सारी सेविंग खत्म हो जाएगी और अभी तक मुझे उस कॉम्पिटिशन से प्राइज मनी भी नहीं मिला। फिर सिनैन कहता है मैं अपना पैसा यूज करूंगा, मेरे पास फुल स्कॉलरशिप है और फिलहाल में मैंने प्रोजेक्ट से कुछ पैसे कमा लिए हैं और मेरा सीनियर भी अपनी कंपनी की जरूरत के हिसाब से मुझे कॉन्टेक्ट करते रहता है, पर मैंने उसका आधा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। पर तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस प्रोजेक्ट से जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा, मैंने उसमें बहुत सोच समझ के काम किया है। फिशिंग सोचती है इन्वेस्टमेंट जब बात काम की आती है तो ये इतना ज्ञान क्यों देता है। फिर वो कहती है क्या तुम इतने अमीर हो गए हो, तुम अमीरों जैसे शाइन मार रहे हो, मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। फिर सिनैन सोचता है कितनी ड्रामा करती है ये। फिर वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है शिंग, अगर तुम्हारी सेविंग खत्म हो गई है तो मैं तुम्हारे बदले पे कर दूंगा, अब ठीक है। फिर शिंग कहती है बिल्कुल नहीं, मैं फ्यूचर में बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, तुमसे नहीं हारूंगी, बस कुछ समय के लिए रुक जाओ, जैसे मैं अमीर हो जाऊंगी मैं तुम्हारे बदले भी पे कर दूंगी। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर वहाँ वेट्रेस आती है और फिर वो कहती है आपका खाना सर्व हो चुका है, आप लोग अपनी मील इंजॉय कीजिए। फिर वो सर्वेंट अपनी को सर्वेंट को कहती है वो जवान आदमी कितना सुंदर है, क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है, कितने क्यूट कपल्स हैं वो और ऊपर से दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने हैं और वो उसकी गर्लफ्रेंड से कितने प्यार से बात कर रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है। इसके बाद शिंग खाते खाते सिनैन को देखती है और सिनैन कंटिन्यू शिंग को देखे जा रहा था। फिर शिंग कहती है तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। फिर सिनैन कहता है तुम बहुत सुंदर हो और मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। फिर शिंग सोचती है जब तुम ऐसा कहते हो तो इतनी ईमानदारी से मत कहा करो। फिर सिनैन कहता है वैसे कल मैं अपने सीनियर की कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ। फिर शिंग कहती है इतने जल्दी। फिर सिनैन कहता है हाँ वो मैं क्लास के बाद रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस बार मैं कमर्शलाइजेशन और बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सीखने के लिए शामिल हो रहा हूँ। फिर शिंग कहती है तुम्हारे पास काफी क्लियर गोल है। फिर सिनैन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहता हूँ और क्लासमेट के साथ एक वर्कशॉप शुरू करना चाहता हूँ। फिर शिंग कहती है अरे वाह तुम्हारे क्लासमेट, क्या मैं उन्हें जानती हूँ। फिर सिनैन कहता है ये वही लोग है जिन्होंने तुम्हारे आने पर सब गड़बड़ कर दिया था। फिर शिंग सोचती है वाह क्या सरप्राइज है, यकीन नहीं होता, जब मैं और डिंग नहीं थे तब तुम हमेशा अकेले रहा करते थे, दूसरों के साथ काम करना ये तो जैसे इम्पॉसिबल सा है, तुम्हारा दूसरों के साथ घूमना फिरना तुमसे तुम्हारी लाइफ मांगने जैसा है। फिर सिनैन कहता है पास्ट में मैंने खुद को जानबूझकर दूसरों से दूर कर लिया था, तुमने मुझे सिखाया कि दूसरों से कैसे घुलना मिलना है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर बन गई और अगर तुम एक बॉस रही तो तुम लोगों को पास ला लोगी। और हमारा एपिसोड यहीं दी एंड हो जाता है, थोड़ा छोटा एपिसोड है पर चिंता मत करो कल एक और एपिसोड आ जाएगा और इससे बड़ा। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।